हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स एग्ज़ाम 2019 के फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए RUC यानी रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड की ज़रूरत होती है, और वो कोड जनरेट तो कर लिया था मगर उसका प्रिंट लेना भूल गए या फिर उसको नोट करना भूल गए। तो अभी हम उसको कैसे रिट्राइव करें, मैं यहां आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि आप अगर लॉगिन आईडी व पासवर्ड भी भूल गए तो उसे भी कैसे रिट्राइव कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले आपको एम्स की वेबसाइट aimsexams.org पर विजिट करना है और अकेडमिक कोर्सेज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ MBBS पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ नीचे लिखा है प्रोसीड फॉर प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन PAA न्यू, ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड और इंटर कैप्चा कोड डालने पड़ेंगे। यहाँ ये सारे डाल के जब लॉगिन करेंगे आप, तो लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ वेलकम रजिस्ट्रेशन ID लिखा हुआ आएगा और इसमें यहाँ जनरल रजिस्ट्रेशन चेंज पासवर्ड जनरेट कोड लिखा हुआ आएगा। तो आपने यहाँ जनरेट कोड पर क्लिक करना है। आपका कोड पहले जनरेट हो रखा है इसलिए यहाँ लिखा आएगा योर कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू कैन नॉट जनरेट दी कोड अगेन, ये लिखा हुआ आएगा। तो आपने इसको ओके करना है। तो आप इसको जैसे ही ओके करेंगे यहाँ आपके कोड नंबर लिखे आएंगे। सबसे पहले यहाँ नेम लिखा आएगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन आईडी लिखी आएगी आपकी, और जनरेटेड रजिस्ट्रेशन यानी RUC लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर मैंने ये हाइड कर रखा है। तो इस प्रकार से आप इसको रिट्राइव कर सकते हैं, इसको नोट करके रख सकते हैं और इससे फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, लॉगिन आईडी भूल जाते हैं, तो आपने सेम वही करना है। आपने यहाँ MBBS पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे इसकी साइट पर अकेडमिक कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपने MBBS पर क्लिक करना है। तो MBBS करने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आप, तो प्रोसीड पर करने के बाद एप्लीकेंट लॉगिन जोन में नीचे ही नीचे लिखा होगा फॉरगेट लॉगिन, तो उसमें आप क्लिक करके आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड रिट्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि हम किस प्रकार से RUC कोड रिट्राइव करें और लॉगिन आईडी पासवर्ड रिट्राइव करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।